महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हो रहा है हम सभी जानते हैं। अनिल देशमुख सीबीआई के शिकंजे में हैं और अब सीबीआई के सवालों के घेरे में अनिल देशमुख फंस गए हैं। जो भी सवाल अनिल देशमुख से सीबीआई द्वारा पूछे गए हैं 100 करोड़ की वसूली को लेकर, तो उन्होंने खुद को बचाते हुए ये सारा का सारा मैटर उद्धव ठाकरे पे थोप दिया है। खुद को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि उनके साथ राजनीति खेली जा रही है, इसमें उनका कोई रोल नहीं है, उन्हें फंसाया जा रहा है। गठबंधन में ये तीनों दल के बीच कोल्ड वार चल रहा है, अंदर ही अंदर सभी खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अनिल देशमुख ने ये सारा मैटर शिवसेना और उद्धव ठाकरे पे थोप दिया है कि ये सारा खेल वही खेल रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे के एक्सपोज होने का समय नज़दीक आएगा या नहीं आएगा, आज इस वीडियो में हम इसी पर ज्योतिष चर्चा करने वाले हैं। क्या आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे भी रिज़ाइन कर देंगे या इन्हें इनके पद से हटा दिया जाएगा। अगर हम इनका चार्ट देखें तो अभी नेटल मंगल पर मंगल राहु का गोचर था, अंगारक योग बना हुआ था 9th हाउस में, लेकिन अब मंगल वृषभ राशि को छोड़कर बुध की मिथुन राशि में जा चुके हैं, जो इनका शत्रु क्षेत्रीय स्थान है, जहां ऑलरेडी बुध स्वराशि होकर बैठे हैं दशम भाव में वक्री होकर, जिस पर चतुर्थ भाव से वक्री शनि और वक्री गुरु का एस्पेक्ट है, उस पर अब मंगल का गोचर आ गया है। और 16 अप्रैल को बुध भी मेष राशि में होंगे अष्टम भाव में, और वो भी बुध के लिए शत्रु क्षेत्रीय स्थान होगा। दोनों शत्रु ग्रह एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन करेंगे, एक दूसरे के घर में होंगे। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, बुध जो है वो दशमेश है, जो राजसत्ता को सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है इनके चार्ट में, जो लग्नेश भी है। वहीं मंगल अष्टमेश है, तृतीयेश है, जो अचानक से होने वाली घटना को या दुर्घटना को या फिर अनवांटेड इश्यूज को सामने लाता है। नवांश में भी अगर हम देखें तो बुध जो है वो पंचम भाव में है, वर्गोत्तम है। पंचम भाव मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में सत्ता का भाव माना जाता है। वहाँ पर भी मंगल का गोचर बुध पर होगा, जो इनके वर्तमान पद के लिए अच्छी स्थिति में नहीं है। दूसरी बात, इनकी दशा भी इस समय बहुत क्रूशियल चल रही है, जुपिटर में वीनस की, जो किसी भी स्थिति में शुभ नहीं मानी जाती। गुरु भी 6th भाव में केतु पर मूव कर गए हैं, जो कहीं ना कहीं इस गठबंधन सरकार को ब्रेक कर देगा इस समय। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है इस चार्ट में, वो है जुपिटर वीनस की दशा में सन का प्रत्यंतर, जो 26 अप्रैल 2021 से लेकर 14 जून 2021 तक रहने वाला है। ये समय इनके राजनीतिक कैरियर के लिए बहुत बड़ी चुनौती का समय है। हालांकि ये समय नवंबर 2020 से ही बना हुआ था, जिसकी काफ़ी सारी डिटेल्स वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये कहा भी था कि जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2021 तक हम इस पार्टी के गिरने की संभावना को लेकर चल रहे हैं, और फरवरी मार्च से ही हम लोग देख रहे हैं कि ठाकरे सरकार पर शिकंजे कसते ही जा रहे हैं। और अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है, तो अप्रैल से लेकर जून 2021 तक ठाकरे सरकार पर बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी देखें तो इस समय इनकी गुरु में शुक्र में सूर्य का प्रत्यंतर होगा। सूर्य इनकी कुंडली में 12th भाव का स्वामी है, जो चंद्रमा की जलीय राशि में बैठा है, 2nd लॉर्ड और 9th लॉर्ड शुक्र के साथ, जो दोनों ही सर्प दृष्टिकोण में भी है। ज्योतिष में सर्प दृष्टिकोण को बहुत अधिक शुभ नहीं माना जाता। सूर्य यहाँ पर 10 डिग्री और 55 मिनट का है, जो कर्क राशि में दूसरे दृष्टिकोण में है। वहीं शुक्र 20 डिग्री 24 मिनट का तीसरे दृष्टिकोण में है, जो कहीं ना कहीं सरकार से पनिशमेंट को शो करता है। सूर्य का प्रत्यंतर 26 अप्रैल के बाद आने वाला है। नवांश में भी ये सूर्य नीच का है, शनि और राहु के साथ, जिस पर गुरु का एस्पेक्ट है, जो उद्धव ठाकरे के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। इसकी कार्यवाही 19 और 20 अप्रैल से ही शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, इन पर शिकंजा तेज होता जाएगा। उसके बाद चंद्रमा का प्रत्यंतर शुरू होगा, फिर मंगल का प्रत्यंतर शुरू होगा, और उसके बाद राहु का प्रत्यंतर शुरू होगा, जो सारे के सारा जो दशा सिक्वेंस का पीरियड है
ट्वेल्थ हाउस को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर ये खुद ही रिज़ाइन करते हैं तो इनके लिए सही होगा, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था, वरना इन्हें अपने पद से निष्कासित कर दिया जाएगा, एक्सपेल कर दिया जाएगा। दोस्तों, ज्योतिष की गणना देश काल परिस्थिति के ऊपर भी निर्भर करती है। कई बार प्रिडिक्शन करते समय हम एक दो महीने आगे पीछे का समय लेकर चलते हैं, इसलिए आप भी उसे उसी तरीके से कंसीडर करके चलिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो ज्योतिष की सभी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।